देवी संतोषी, कलयुग में सन्यासी होने का क्या अर्थ है? जो स्वयं को पहचान ले और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग ज्ञात कर ले, एकाग्रता में हो तो स्वयं को सारे बंधनों से मुक्त कर स्वयं की ध्वनि अपने आराध्य तक पहुंचा दे, वही सन्यासी है। अब ये बताइए देवी संतोषी कि धरती लोक पर अच्छाई और सच्चाई क्या है? नारायण, अच्छाई और सच्चाई वो शक्ति है जिसका प्रभाव धरती लोक पर ही नहीं स्वर्ग लोक पर भी होता है। यदि किसी मनुष्य का वर्णन यहाँ आप सबके समक्ष हो रहा है, वही अच्छाई और सच्चाई है। और मनुष्य की कौन सी बात अद्भुत है? मनुष्यों की सबसे अच्छी बात ये होती है, उसे ज्ञात होता है कि जीवन एक दिन समाप्त हो जाएगा, किंतु प्रतिदिन जीवन को जीने के प्रति उसकी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती। भगोड़ा पति है तुम्हारा, नहीं आएगा। अभी वक्त है। हाँ कह दो हमें। हमारा इंद्रेश जरूर आएगा। ए, कोई आगे मत आना, वरना बता रहा है गोली चला देंगे। पीछे भरेगा भरेगा तू। ए, क्या कर रहा है, गोली चल जाएगी। स्वाति कोर्ट में हमारा इंतजार कर रही होगी, हमें किसी भी हाल में उस तक पहुंचना होगा। मिसेस स्वाति सिंह, क्या यह सच है कि कत्ल की रात आप घटनास्थल पे मौजूद थी? जी, अब वो अपने पति से मिलने गए थे, पर अचानक से बबली आ गई। इतने सुनसान जगह पे आप आपके पति से मिलने क्यों गई थी? जज साहब, हम इस आदमी के घर से भागे थे। वो क्यों? क्योंकि बबली ने हमें धोखे से वहां भेज दिया था, ये कह के कि ये हमारे पति, पर अब हमारी याददाश्त नहीं थी, उसने हमें धोखा दिया। पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड। जैसा कि अभी अभी इन्होंने कहा कि बबली ने इनको धोखा दिया था, तो उसी धोखे का बदला लेने के लिए तुमने बबली की जान ले ली है ना? तुम्ही ने मारा है ना बबली को? बताओ कोर्ट को। जज साहब, इंद्रेश, तुमको कुछ कहना है? इंद्रेश, अम्मा, इस आदमी ने हमको बंदी बनाया था और गुंडे भी हमारे पीछे भेजे थे ताकि हम यहां तक ना पहुंच पाए। मिस्टर त्रिपाठी, ये क्या कह रहे हैं? जज साहब, इनके पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए सिर्फ झूठा इल्जाम लगा रहे हैं हम पर। मिस्टर इंद्रेश, ये न्याय का मंदिर है और यहां जीत सिर्फ सबूत पेश करने से होती है। योर ऑनर, मैं चाहूंगा कि मिस्टर इंद्रेश को अपनी बात कहने का मौका दिया जाए। क्या मिसेस स्वाति सिंह आपकी पत्नी है? जी। क्या वो मिस्टर त्रिपाठी के यहाँ बंधी थी? जी। तो क्या आपने इसकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करवाई थी? नहीं, काहे कि हमको पता ही नहीं था कि देवेश त्रिपाठी के घर पर है। दरअसल जैसा स्वाति की हमसकल बबली ने हमको और स्वाति दोनों को बेवकूफ बनाया था। कमाल है मिस्टर इंद्रेश,
बबली ने आप दोनों को बेवकूफ बनाया, लेकिन कत्ल बबली का हो गया। माय लॉर्ड, ये दोनों सिर्फ इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। और सच्चाई ये है कि इस इंसान ने बबली को बंदी बनाया था। और जब ये बात स्वाति जी को पता चली कि इनके पति इंद्रेश बबली से जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं, तो इन्होंने बबली को एक सुनसान जगह बुलाया और वहां बेरहमी से उसका कत्ल कर दिया। झूठ बोल रहा है ये आदमी, स्वाति ने किसी का खून नहीं किया है। अबे वकील, पूरा पागल हो गए हो का? जज साहब, महा झूठा आदमी है, दिमाग सट गया क्या? ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज कोर्ट की मर्यादा बनाए रखे, आप बैठिए अपने अपने जगह पे। जज साहब, ये रहा मेरा दूसरा सबूत। और साथ में ये फॉरेंसिक रिपोर्ट। गन मैं ऑलरेडी पेश कर चुका हूं, जिस पर स्वाति जी की उंगलियों के निशान है। जज साहब, हमने गन उठाई थी, हम मानते हैं, पर हमने गोली नहीं चलाई थी। सही करिए जज साहब, स्वाति ने गोली नहीं चलाई, किसी और ने चलाई थी। जी, क्या हुआ? एक और स्टोरी मिस्टर इंद्रेश, आपके कुछ भी कह देने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। जैसा आप, सारे सबूत आपके सामने हैं और स्वाति सिंह के खिलाफ हैं, इसलिए मैं इस कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक पति को, एक मां को न्याय मिले और बबली के कत्ल के इल्जाम में स्वाति सिंह को सजाए मौत दी जाए। स्वाति सिंह को सजाए मौत दी जाए, सजाए मौत दी जाए। स्वाति, स्वाति रुक जाइए, प्लीज प्लीज, आप कोर्ट में रुकिए। कहो तुमको, स्वाति, स्वाति पानी पानी दिए सर। कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं होगा तुमको। योर ऑनर, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि मेरी क्लाइंट की मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं है, वो सिर्फ हियरिंग के लिए आई है, इसलिए उनको थोड़ी छूट दी जाए। सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। आप भी कटघरे में आइए प्लीज। देवी संतोषी, कहाँ है आप? शीघ्र आइए, कहीं ऐसा ना हो आपकी भक्त आपके दर्शन के बिना ही संसार से प्रस्थान कर ले। देवी संतोषी, आप यही है ना? जी पितामह, कृपा कर अगला प्रश्न करें। देवी संतोषी, त्याग की परिभाषा क्या है? सेवा और त्याग में ही जीवन का सुख है। त्याग का वास्तविक अर्थ है मोह, माया, क्रोध आदि भावनाओं को छोड़कर साधारण जीवन व्यतीत करें। त्याग एक महान यज्ञ है और अनंत प्राप्तियों का स्रोत है। जो त्याग करता है वो वास्तव में बहुत कुछ प्राप्त करता है। मिस्टर देवेश, आपने तो कहा था कि गन पे मिसेस स्वाति सिंह के उंगलियों के निशान मिले। जी, पर यहाँ पे तो साफ साफ लिखा है कि किसी मेल के उंगलियों के निशान भी है। और पोस्टमार्टम के वक्त पुलिस को कुछ एविडेंस भी मिला है।
ये कौन सा एविडेंस है जिसके बारे में हमें नहीं पता? त्याग अर्थात स्वयं की प्रसन्नता, दूसरे पर न्योछावर करना, किंतु ये तभी संभव है जब दो मनुष्यों में अत्यधिक प्रेम हो। त्याग प्रेम का ही स्वरूप है। ये कैसा सबूत है जी साहब? पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से गन पे किसी और के उंगलियों के निशान भी मिले। किसकी उंगलियों के निशान जी साहब? जज साहब अभी तक कुछ पता नहीं चला है, हम जांच कर रहे हैं। और बबली की बॉडी के साथ एक लेटर भी बरामद हुआ है। देखिए जब तक अदालत को सारे सबूत नहीं मिल जाते हम इस केस पे कोई फैसला नहीं ले सकते। जज साहब लेकिन अभी अभी स्वाति ने कबूल किया है कि गन उसके हाथ में थी। हाँ गन उसके हाथ में थी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि गोली स्वाति ने चलाई है। जज साहब हाँ जज साहब गोली किसी और ने चलाई है। स्वाति सही कह रही है जज साहब, गोली किसी और ने चलाई थी। और ये बात आप इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं? इंद्रेश हमने कुछ नहीं किया इन्हें। हमें पता है हमारा इंद्रेश अब हमें जेल नहीं जाने देगा क्योंकि गोली हमने चलाई थी। ये होता है कर्मों का फल। ये झूठ बोल रहा है जज साहब। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि अदालत का अपमान करने के जुर्म में इसे भी गिरफ्तार किया जाए। झूठ नहीं बोल रहे जज साहब। गन पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स हमारे हैं और वो लेटर हमारा ही लिखा हुआ। इसमें लिखा है कि बबली तुमने हमको धोखा दिया इसलिए हम तुमको जान से मार डालेंगे। आप चाहें तो हमारी हैंडराइटिंग उसे भी चेक करवा सकते हैं। नहीं, ये झूठ है, झूठ है। जज साहब ऐसे लग रहा है जैसे इस कोर्ट में मजाक चल रहा है। मजाक नहीं चल रहा है, सच सामने आया है। जज साहब स्वाति ने खुद कहा है कि गोली उसने नहीं चलाई। इंद्रेश क्या बोल रहा है सब, काहे कर रहा है सब? जज साहब हम पूरे होशो हवास में अदालत के सामने ये स्वीकार करते हैं कि बबली पर गोली हमने चलाई क्योंकि उसने हमको धोखा दिया था। याद नहीं हो रहा है परिस्थिति में अकस्मात परिवर्तन कैसे हुआ। देवी संतोषी तो वहां परीक्षा दे रही है तो यहाँ ये सब? ये झूठ बोल रहा है जज साहब। झूठ नहीं बोल रहे हैं वकील साहब, आपने ही कहा था ना थोड़ी देर पहले कि न्याय के मंदिर में सिर्फ सबूत बोलते हैं और इस वक्त सारे सबूत यही कहते हैं कि खून हमने किया। आप लोग वहीं रुके प्लीज। जी कुछ करिए ना, हमारा इंद्रेश किसी का खून नहीं कर सकता। गिरफ्तार कर लीजिए। इंद्रेश झूठ बोल रहा है, इंद्रेश तुम ऐसा काहे कर रहे हो?
और झेल लिया तुमने स्वाति, अब और नहीं। जैसा आप हमारी बीवी को जाने दीजिए, आपको गुनहगार मिल गया। जैसा ये झूठ बोल रहे हैं इंद्रेश, इंद्रेश बिटवा काहे कर रहा है ये सब? अरे हम सब जानते हैं कि तुमने खून ना ही किया है। मां स्वाति को ले जाइए, हमारी गैर हाजिरी में ध्यान रखिएगा इसका। जैसा हमारा बेटवा झूठ बोल रहा है, उसने कोई खून नहीं किया है। ऑर्डर ऑर्डर, शांत हो जाइए। जज साहब, आप मेरे बेटवा को छोड़ दीजिए। अपनी बीवी को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, उसने किसी का खून नहीं किया है। आप सब लोग अपने अपने जगह पे बैठ जाइए प्लीज। देखिए, अदालत सबूतों के बिना पे फैसला लेती है और सारे सबूत इनके खिलाफ हैं। और अब तो इन्होंने खुद अपना जुर्म कबूला है। नहीं, इंद्रेश झूठ बोल रहा है। इंद्रेश, इंद्रेश ऐसा मत करो प्लीज, इंद्रेश ऐसा मत करो प्लीज, इंद्रेश, इंद्रेश हम जानते हैं तुम जानबूझ के ये कर रहे हो ना हमें बचाने के लिए, पर प्लीज मत करो ना, हम नहीं जी पाएंगे, तुम्हारी भी तो मर जाएगी इंद्रेश। सारे सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इंद्रेश सिंहासन सिंह को गिरफ्तार करने का आदेश देती। नहीं, नहीं, हमारे इंद्रेश को कोई नहीं हाथ लगाएगा। वही स्वाति इंद्रेश सिंह को बाइज्जत बरी किया जाता है। इंद्रेश, छोड़ो उसको, इंद्रेश! और अगली सुनवाई तक ये अदालत बर्खास्त की जाती है। इंद्रेश, काहे किया बिटवा ये? हम तेरे बिना जिंदा कैसे रहेंगे?
ये मनुष्य भी विचित्र होते हैं, कभी भी कुछ भी करते। देख लीजिए देवी संतोषी, आपके होते हुए भी आपकी भक्त के साथ कितना अन्याय हो रहा है।